लगे, लेडीज कार्डिगन में डालिए, लेडीज स्वेटर में डालिए, जेंट स्वेटर में डालिए, बेबी स्वेटर में डालिए, बेबी कार्डिगन में डालिए, लेडीज टॉप में डालिए, गर्ल्स टॉप में डालिए, लेडीज कैप में डालिए, ब्लैंकेट में डालिए, स्टॉल में डालिए, मफरल में डालिए, ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल फंदे डाल के और 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। जैसे 4, फिर से 4, फिर से 4, लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। 4, 4 और 4, एक फंदा ज़्यादा है इसके अंदर, इसको निकाल लेंगे। फंदे डालने के बाद आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो से ही इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए फर्स्ट रो है और इसको बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए एच स्टिच फंदे को छोड़ के 1 सीधा, 3 उल्टे, इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए सेकंड रिपीट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से थर्ड रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप उनको इसी तरह से बनाते जाइएगा, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। लास्ट में आपके पास 2 फंदे होंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। एच स्टिच को आप सीधा बनाइए या उल्टा, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह से फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। सेकंड रो, रोंग साइड से इस डिजाइन में सभी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बन के कम्प्लीट होंगी। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ और पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इस डिजाइन को आसानी से बना लेंगे। 6 सिलाइयों में डिजाइन बन जाता है और 12 सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डिजाइन की हमने जगह को चेंज करना होता है। तो सेकेंड रो बन के कम्प्लीट हुई। अब इस तीसरी सिलाई को फर्स्ट सिलाई की तरह ही रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट फंदा एच स्टिच उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर रिपीट करेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 3 फंदे उल्टे। जितने भी फंदे हों उन फंदों को इसी तरह से आप बनाते जाइएगा। लास्ट में 2 फंदे होंगे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए और ये फंदा एज स्टिच है। तो तीसरी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए चौथी सिलाई। पूरी सिलाई को यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। रोंग साइड से यानी उल्टी तरफ से हमारी सभी सिलाइयाँ उल्टी ही बन के कम्प्लीट होंगे। तो इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं। अब आ जाइए पांचवी सिलाई में। पांचवी सिलाई को देखिए, इम्पोर्टेंट सिलाई है, इसमें हमारी जाली भी डलेगी और फंदा घटेगा। तो फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब जो ये सीधा फंदा है और ये उल्टा, इसको स्लिप करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, वापस इसी सिलाई में डाल लेंगे ऐसे, और 2 का 1 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब एक फंदा कम हो गया। अब धागे को आगे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो जो फंदा यहाँ पे कम हुआ वो जाली डल के बढ़ गया। पूरी सिलाई सीधी बनेगी, सिर्फ ध्यान दीजिएगा एक फंदा सिंगल बनेगा। जो ये 3 फंदे हैं यहाँ पे उल्टे, बीच वाला सिंगल बनेगा, ये 2 का 1 बनता जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब ये फंदा है, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये फंदा और ये फंदा, तो ये जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाए। अब जो ये सीधा फंदा है, दोनों तरफ उल्टे फंदे, यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और इन फंदों को ऐसे यहाँ से उतारेंगे और इस फंदे को जाली डालते हुए सीधा बना लेंगे।
अब जो ये दो फंदे हैं, एक उल्टा एक सीधा, जिनको हमने पलटा है, इन दो के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, तो यहाँ पर तीन का एक फंदा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तीन फंदे उल्टे थे तो एक फंदा हमारा यहाँ पर बन गया। फिर से जाली डाल लेंगे, एक फंदा सिंगल सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से जो ये सीधा फंदा है, दोनों तरफ उल्टे हैं, तीन का एक करेंगे। तो देखिए इन दो फंदों को आगे से सिलाई डाल के ऐसे निकाल लेंगे और तीसरे फंदे को धागा अपनी तरफ करते हुए इसको सीधा बनाएंगे। अब देखिए जो ये दो फंदे हैं जो हमने स्लिप किए हैं, इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए एक उल्टा है एक सीधा, ये हमारा एच स्टिच है, तो इन दो फंदों का एक फंदा आगे की तरफ से ऐसे बना देंगे, एच स्टिच फंदा सीधा इस तरह से। अब फिर छठी सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे, एच स्टिच उतारेंगे, इसको बुनेंगे, ये जाली वाला है इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। ये पांचवी सिलाई में जाली डलते हुए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन जाएगा। ऑल प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से तो छह सिलाइयाँ हमारी ये बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। अब सातवीं सिलाई देखिए कैसे बनाएंगे। अब जो ये डिजाइन है, इस डिजाइन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए जो जैसे डिजाइन नीचे डाला था, अब यहाँ पर इसकी जगह को कुछ चेंज करेंगे। जो ये सीधा फंदा था, पहले हमने यहाँ पे बनाए थे एक एच स्टिच एक सीधा, तीन उल्टे एक सीधा। अब देखिए जो ये सीधा फंदा है, ध्यान दीजिएगा, इसके दोनों तरफ के फंदे और ये बीच वाला सीधा फंदा, ये तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, तो हमारा ये फंदा सीधा बनेगा जिसके ऊपर ये सेंटर में जाली डली हुई है। तो अब यहाँ पर डिजाइन को चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदा एच स्टिच स्लिप किया, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे। अब ये फंदा हमारा सीधा रहेगा, ये इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब ये देखिए तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक ये साथ वाला, ये सेंटर में सीधा, ये साथ वाला, तीन फंदे उल्टे, सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे अब फर्स्ट रो में बनाया था। डिजाइन स्टार्ट हो चुका है दोबारा से, ये फंदा सीधा बनेगा, फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे ये उल्टे बनाएंगे, जाली से बना हुआ सीधे वाला, जाली से बना हुआ, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एच स्टिच फंदा सीधा। तो ये सिलाई हमारी सातवीं सिलाई बन गई। अब आठवीं सिलाई को फिर से पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है, सिर्फ एक बार छह सिलाई बनने के बाद डिजाइन को चेंज करना होता है, फिर ऐसे ही बनता जाएगा, बहुत ही जल्दी जल्दी बन के आता है। तो ये हमारी आठवीं सिलाई रॉन्ग साइड से बन के पूरी उल्टे उल्टे बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ नौवीं सिलाई, इसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, सेम सातवीं सिलाई को रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन और इजी डिजाइन है, बहुत ही प्यारी लुक आती है इसकी बनने के बाद। धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एज स्टिच फंदा सीधा। तो ये हमारी नौ सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए दसवीं सिलाई, इसको फिर से पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ और ग्यारहवीं सिलाई में, तो अब इस सिलाई में फिर से सातवीं सिलाई की तरह जाली डलेगी। तो फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा ये सीधा बनाएंगे,
अब यहाँ पर जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये सीधा फंदा है, दोनों तरफ के फंदे लेके तीन का एक बनाएंगे। तो ऐसे इनको दो को उतारेंगे और इस तीसरे फंदे को बनाएंगे। अब जो ये दो फंदे स्लिप किए हमने, इन दो को इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे। तो जाली डल गई, फंदा बन गया। दो फंदे कम हुए हैं तो एक जाली डल के एक फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फिर से एक फंदा बढ़ जाएगा, इसको सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर दो फंदे कम हुए थे तो दोनों तरफ जाली डल गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर फिर से तीन का एक करेंगे, इसको उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे जाली डालते हुए। फिर ये दो फंदे इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, तो यहाँ पर तीन का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से तीन का एक करेंगे, इन दो को उतारेंगे, स्लिप करेंगे, एक फंदा जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। इन दो को लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर ये फंदा सीधा और एच टीज फंदा भी सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी 11वीं सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए 12वीं सिलाई और रोंग साइड। इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये 12 सिलाइयों का डिजाइन था, 12 सिलाइयां कंप्लीट हमारी हो चुकी हैं। अब फिर से डिजाइन को डालेंगे, तो जैसे हमने स्टार्टिंग की थी सिर्फ वैसे ही इसको बनाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ स्टार्टिंग इसकी, ताकि आपको बुनने में परेशानी ना हो। एक फंदा स्लिप करेंगे एच स्टिच है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे। इन्हीं ही 12 सिलाइयों को आप बार बार जब रिपीट करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन जाएगा। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे और एच स्टिच फंदा धागा पीछे करते हुए सीधा बनाएंगे। तो ये 12 सिलाइयाँ बन गई, डिजाइन दोबारा से स्टार्ट हो गया। जब आप इन 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो ऐसे बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन आपका बन के आ जाएगा। उल्टे सीधे फंदे हैं, साथ में जाली डली हुई है, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।